बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे। सो भाई आज हम करने वाले हैं ओसवाल का सेक्शन ई। और अभी तक आप सभी बच्चों ने इसके पहले के सेक्शन मतलब ए बी सी डी अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वो आपको कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हम और भी सैम्पल पेपर करा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, जैसे कि ओसवाल हो गया, एडुकार्ड हो गया, ठीक है, और सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हो गए, एमटीजी का सैम्पल पेपर हो गया। तो ये सारे सैम्पल पेपर चाहिए तो चैनल पर ज़रूर से चेकआउट करें, वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे सेक्शन एक। और यहाँ पे हमारे साथ इस सेक्शन के साथ ये हमारा सैम्पल पेपर भी हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पर इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि किस तरह की केस स्टडीज आपके पेपर में बनती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो है आपका प्रोबेबिलिटी। देखो भाई, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। ठीक है, पूरा पैसेज अच्छी तरीके से रीड करना है, देन आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दिवाली एक फेयर है आपका, ठीक है, दिवाली फेयर था। अ गेम इन अ बूथ एट दिवाली फेयर इन्वॉल्व यूजिंग अ स्पिनर फर्स्ट। अब वहाँ पे दिवाली फेयर था, वहाँ पे आपके पास कुछ गेम्स वगैरह चल रहे थे, तो पहला जो गेम था वो स्पिनर वाला था। स्पिनर है, इसमें कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 है 2 है 6 है 8 है 10 है और क्या है बेटा 4 है। ठीक है, देन इफ द स्पिनर स्टॉप्स ऑन एन इवन नंबर, ठीक है, जो आपका स्पिनर है अगर वो इवन नंबर पे स्टॉप होता है, द प्लेयर इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम अ बैग। एक आपके पास स्पिनर है और एक आपके पास क्या है, बैग है, उसमें कुछ मार्बल दे रखे। अगर मान लो कहता है कि अगर मान लो स्पिनर जो है वो इवन नंबर पे स्टॉप होता है, इवन नंबर कौन से, ये है और ये है, ठीक है, अगर इन पे स्टॉप होता है तो हम क्या कर सकते हैं, बैग में से मार्बल निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बोला गया द स्पिनर एंड द मार्बल इन द बैग आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। यहाँ पे आपको दे रखा है स्पिनर और बैग। फिर आगे क्या बोल रखा है, प्राइजेस आर गिवन व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज पिक्ड। अब यहाँ पे सिर्फ स्पिनर का खेल नहीं है, यहाँ पे मार्बल का भी खेल है। बोल रखा है कि अगर मान लो जब तुम मार्बल उठाते हो, मार्बल भी कब उठाओगे, जब आपके पास स्पिनर में इवन नंबर आएगा। चलो भाई इवन नंबर भी आ गया, अब हमने जब मार्बल उठाया अगर वो ब्लैक कलर का होगा, किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा जब ही आपको प्राइज मिलेगा, अदरवाइज प्राइज नहीं मिलेगा। क्या क्वेश्चन समझ आ गया, जब इवन नंबर आएगा जब ही आप क्या कर सकोगे, मार्बल उठा सकोगे, और मार्बल अगर ब्लैक कलर का होगा जब ही आपको प्राइस मिलेगा। समझ गए क्वेश्चन को? यस मैम, बहुत अच्छी तरीके से। श्वेता प्लेज द गेम वन। अब श्वेता जो है वो गेम खेलना स्टार्ट करती है, उसको सारे रूल समझा दिए गए थे सारे, अब वो गेम खेलना स्टार्ट करती है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर स्टॉप एन ऑड नंबर। कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर मान लो जो स्पिनर है वो आपको ऑड नंबर पे रुक जाता है, फिर ऑड नंबर कितने आपके, जल्दी से मुझे बता दो। पहले वाले का तो बहुत इजी आंसर होने वाला है, मैं पहले वाले को तो बहुत इजी आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, अगर स्पिनर किस पे रुकता है, ऑड नंबर पे रुक जाता है, किस पे रुकता है मैम, ऑड नंबर पे। ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कितना है ऑड नंबर मैम, सिर्फ एक है, एक है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया मैम, 1। और टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 6। समझ आ गई, पहला बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल अलाउ टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब वो पिक करेगी मार्बल, यार क्या हमसे बोला गया था, जब इवन नंबर आएगा जब ही तो वो पिक करेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ इवन कितनी बार आएगा, इवन इवन इवन, 1 था 2 था 3 था 4 था और 5 था। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मार्बल कब पिक करेगी तो बेटा वो इवन नंबर आएगा, क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, तो कितने थे, 4, और नीचे टोटल 6 है, तो 2 अपॉन बेटा कितना आ गया, 3 आ चुका है। समझ आई? यस मैम। अब आओ नेक्स्ट पे, ठीक है, एक सेकेंड यार, 4 नहीं थे ना, 5 थे मैम, 5 थे यार, कैसी कैसी मिस्टेक कर देती हो आप भी, चलो यार कोई नहीं, हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा बेटा, क्वेश्चन ये रहा आपका नेक्स्ट, और का क्वेश्चन है, ठीक है, और वाला है, सपोज शी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। चलो भाई, अब उसने स्पिनर में इवन नंबर तो ले आई, अब वो मार्बल उठाने की उसकी बारी आती है, मार्बल उठाने की बारी आती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस। अब हमें बताना है कि वो प्राइस कब जीतेगी, अगर मान लो उस बैग में कितनी बॉल्स है, 20 बॉल्स है, और उसमें से 6 ब्लैक है, 6
छह कितनी है, ब्लैक है, तो बताओ भाई प्राइस कितने वे में जीतेगी, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है अगर वो प्राइस जीत जाती है। एक बात बताओ, 20 बॉल है जिसमें से छह आपकी ब्लैक है, तो छह में से अगर कोई सी भी आ जाए तो मतलब वो प्राइस जीत जाएगी, तो मतलब फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो गया मैम, ये हो गया 6, और टोटल कितनी बॉल थी मैम, 20 थी, तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी कि अगर तुम प्राइस जीत जाओगे, समझ गए? यस। अब आते हैं, ये तो वैसे और वाला था, सेकंड का और था, ठीक है, थर्ड नहीं था, ये सेकंड का और था, थर्ड वाले पे आते हैं यार। थर्ड वाला क्या कहता है, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज हियर, क्या यूज हो रहा है, बार बार तो चीख चीख के कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी है भाई, प्रोबेबिलिटी है, सिंपल सी बात है, देख रहे हो कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, है ना। चलो तो ये हो गई हमारी पहली केस स्टडी कंप्लीट इस तरह से, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करके आनी इस तरह से, ठीक, समझ रहे हो बात को? यस मैम। आते हैं भाई नेक्स्ट केस स्टडी पे, बढ़िया से केस स्टडी है, अभी पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट क्लासेस इन टू बैचेस, एक मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो क्या करता है, कंडक्ट करता है क्लासेस को दो बैचेस में, फर्स्ट और सेकंड बैच, ठीक है। उसमें ना यार फीस ना अलग अलग डिवाइडेड है, मतलब रिच वालों की बहुत ज़्यादा फीस है और पुअर वालों की यार कम है, ठीक है, उन्होंने भेदभाव नहीं कर, मतलब अलग अलग कर रखा है, भेदभाव कह रही हूँ, रिच एंड पुअर वालों के अलग अलग कर रखे हैं, ठीक है, आर डिफरेंट। बैच फर्स्ट में देखो यार, बैच फर्स्ट की बात हो रही है, पहले हम बैच फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें बेटा 20 कैसे बच्चे हैं, पुअर बच्चे हैं, और 5 कैसे बच्चे हैं, रिच बच्चे हैं, 20 पुअर बच्चे हैं, 5 रिच बच्चे हैं। बैच सेकंड की बात होती है, बैच सेकंड की बात होती है, ठीक है, बैच सेकंड में 5 पुअर बच्चे हैं, 5 पुअर बच्चे हैं, ठीक है, और रिच कितने बच्चे हैं भाई, 25 रिच हैं, 25 कैसे हैं, रिच हैं, ठीक है। फिर उनका जो मंथली कलेक्शन, मतलब जो उनसे फीस ली जाती है, तो बैच फर्स्ट से टोटल जो मंथली कलेक्शन आता है वो कितना आता है, 9000 रुपये आता है, और बैच सेकंड से बेटा कितना आता है आपका, 2600 आता है, देख रहे हो, ठीक है। जिसमें कम बच्चे, मतलब पुअर बच्चे ज़्यादा थे तो उसमें कम कलेक्शन आ रहा है, जिसमें रिच बच्चे ज़्यादा थे उसमें ज़्यादा कलेक्शन आ रहा है, इसमें 9000 कलेक्शन आता है, इसमें 26000 आता है, ठीक है। अब हमें बताना है, सबसे पहले बोल क्या रखे आगे वो पढ़ लेते हैं। एज्यूम दैट ईच पुअर चाइल्ड पे एक्स रुपीज, और जो रिच चाइल्ड है वो क्या रुपीज की पे कर रहा है, वाई रुपीज। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर बोल देते हैं कि हमारा जो बच्चा है, पुअर बच्चा जो है, वो हर महीने कितने रुपए पे कर रहा है, मतलब कितने रुपए फी पे कर रहा है, एक्स रुपीज, ठीक है। रिच बच्चा जो है वो कितने रुपए पे कर रहा है, वाई रुपी पे कर रहा है मंथली, ठीक है, मतलब एक महीने का वो एक्स रुपी पे कर रहा है, वो वाई रुपी, मतलब हमें नहीं पता तो उसको हमने एक्स और वाई मान लिया, ठीक। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, बहुत ध्यान से देखते जाना। पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन एक्स वाई की फॉर्म, मतलब हमें क्या बतानी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाओगे यार, जल्दी जल्दी से बता दो। बैच फर्स्ट की बताते हैं, बैच फर्स्ट की पुअर कितने बच्चे हैं, 20, मतलब एक की फीस जो है वो एक्स है, तो 20 बच्चों की कितनी हो जाएगी बेटा, 20x हो जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर मैं रिच बच्चे की बात करती हूँ, एक रिच बच्चे की वाई रुपीज है, तो 5 रिच बच्चे की कितनी होने वाली है, 5, और दोनों का जो कलेक्शन है वो टोटल कितना आता है, 9000 रुपये आता है, आता है कि नहीं आता, यस मैम। बैच सेकंड की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 5x, और मैम 25y हो जाएगा, और जो टोटल कलेक्शन आता है वो कितना आता है, 26000। क्या भाई बात को समझ गए, यस मैम समझ गए, तो भाई बस हो जाता है ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट, हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल था। सेकंड में बताओ, फाइंड द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड, पुअर चाइल्ड कितना पे करता है, मतलब सिंपली हमें बताना है एक्स की वैल्यू, एलिमिनेट करो, और क्या करोगे, एलिमिनेट कर दो यार, आ जाओ मैं करके दिखाती हूँ आपको, कैसी ही बात कर रहे हो यार आप, 20x है प्लस का 5y है इक्वल में 9000, ठीक है, 5x है, 25y है इक्वल में कितना आता है, 26000। एलिमिनेट करने के लिए यार y को सेम बनाओ, x को सेम बनाओ, मैं y को बना देती हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, यह आ जाएगा कितना, 5 2 मतलब 100x, यह आ जाएगा 25y, 5 9 से कितना होता है, 45, माइनस माइनस माइनस, ये कितना आ गया, माइनस का 95x, प्लस माइनस मैम कट गया, यहाँ कितना आ गया, माइनस का शायद 1900 आएगा, माइनस से माइनस गया, मल्टीप्लाई में नीचे आया, कितना हो गया, डिवाइड में, ठीक है, काटो जरा, 5 से काटते हैं, 5 1 5, 5 9 45, ठीक है, कितना आएगा, 5 3 15, ठीक है, फिर कितना आया, 4 आ गया,
ठीक है, 5 8 40 और ये कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, एक बारी देख लेते हैं हम कितना हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका 200, कितना आ रहा है 200, क्या ये और कट जाएगा, एक सेकेंड। अच्छा 19,000 है यार, 19,000 है, कैसी कैसी मिस्टेक करते हो यार मैम, आप भी कैसी कैसी मिस्टेक्स आप भी करते हो। ठीक है, जब काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अब पहले पार्ट में तो वैसे एक्स ही पूछा गया था आपसे, मतलब सेकंड पार्ट में सिर्फ आपसे किसका पूछा गया था, पुअर चाइल्ड का पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फीड पे बाय पुअर चाइल्ड एंड अ रिच चाइल्ड। अब पुअर चाइल्ड का तो हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 200 आया था। अब आपको निकालना है वाई का, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो और वाई आपका आ गया है 1000। वाई कितना आ गया है, 1000। y आ गया आपका 1000, तो हमें डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस बेटा कितना आ गया आपका, 800 आपका डिफरेंस आ गया, मतलब ये आ गया आपका और वाला आंसर। देख रहे हो डिफरेंस कितने का है दोनों में, 800 का डिफरेंस है। फिर आगे बोला गया है, अगर मान लो आपके पास 10 बच्चे पुअर हैं और 20 बच्चे रिच हैं, ठीक है, बेस्ट सेकंड में, तो आप बताओ मंथली कलेक्शन कितना होगा। अब सिंपली आपको बोल दिया गया है कि पुअर बच्चे की फीस एक बच्चे की 200 थी, तो 10 बच्चे की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर प्लस में एक रिच बच्चे की 1000 थी, तो 20 रिच बच्चों की कितनी होने वाली है मैम, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका कितना, 2000, ये कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, तो मैम आ गया 22,000 टोटल कलेक्शन होने वाला है, कितना होने वाला है मैम, 22,000 टोटल क्या होने वाला है, कलेक्शन होने वाला है बैच सेकेंड से। समझ गए बात को, यस समझ गए, इसमें क्या ना समझने वाली बात थी मैम। अब आओ यार लास्ट एंड द फाइनल केस स्टडी ऑफ दिस सैंपल पेपर 38, बहुत ध्यान से पढ़ते जाना मेरे साथ साथ। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 विजिटेड इंडिया गेट ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप। ठीक है भाई, आपके स्कूल से भी लेके जाते होंगे, सड़ी सड़ी जगह ही लेके जाते हैं, वहां पे आपको लेके गए कहाँ पे, एक इंडिया गेट। ठीक है, ट्रिप था वो एक, ठीक है, स्कूल की तरफ से। द टीचर एंड स्टूडेंट हैड इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एज वेल, मतलब दोनों ही हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे, टीचर भी और बच्चे भी। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा, एक मॉन्यूमेंटल सैंडस्टोन आर्क इन न्यू दिल्ली डेडिकेटेड टू द ट्रॉप ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु डेड इन वॉर्स फॉट बिटवीन 1940 एंड 1919। यहाँ पे कुछ कहानी दे रखी है, ठीक है, उनकी दे रखी है। फिर बोला गया इंडिया गेट इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द राजपथ, ठीक है, इज अबाउट 138 feet। देखो भाई इंडिया गेट की क्या बता रखी है, हाइट बता रखी है 138 feet और मीटर्स में कितना है वो 42 meter है। ठीक है, इंडिया गेट की आपके पास हाइट बता रखी है कितना है, 42 meter है। ठीक है, ये आपको गिवन है, जो काम की बात थी वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको 42 meter दे रखी है। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द एंगल एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 meter अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। देखो यार, यहाँ पे पास इंडिया गेट है, ठीक है, यहाँ पे ये 42 है और बोल रखा है यहाँ से, यहाँ पे आप देख रहे हो और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी बेटा कितना है, 42 है। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड में हम बेस होती है, जब भी परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं हमेशा थीटा जो है वो कितना आता है, 45 ही आता है। क्यों क्यों वो भी बता देती हूँ, आ जाओ, 10 45 लगा, सॉरी 10 थीटा लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, तो 10 थीटा आ गया, यहाँ पे आ गया 1। 10 की कौन सी वैल्यू पे 1 आता है मैम, 45 पे तो आता है, है ना, ठीक है, तो मैम थीटा आ गया 45। समझ गए बात को, ठीक है मैम समझ गए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं जो कि हम यहीं पे कर लेंगे, है ना। आगे देखो, दे वॉन्ट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 degree। वो टावर को भी देखना चाहते हैं कितने डिग्री एंगल, 60 degree एंगल से। सो दे वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड एंड हैंस फाइंड द डिस्टेंस। मतलब टावर तो वही है, ठीक है, टावर आपका वही है, कितने का है बेटा, 42 का है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, वो बताना है उनका डिस्टेंस, जहाँ से वो खड़े हैं और उस मॉन्यूमेंट तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। एंगल आपको ऑलरेडी 60 degree रखा है, ये 42 है, ये आपको फाइंड करना है। समझ गए, यस मैम समझ गए। तो आओ यार, थीटा के तो सामने वाला परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस क्या लगाओगे मैम, 10 60 लगा देंगे यार, और क्या लगाएंगे, 42 अपॉन में कितना आ गया, x आ गया, 10 60 मैम हो जाता है √3 इंटू मैक्स अपॉन इक्वल में 42 आ गया, मल्टीप्लाई में नीचे आए कितना हो जाएगा मैम, डिवाइड में हो जाएगा, 42 अपॉन में √3 है, √3 के ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी, काटो पीटो और देखो कितना आ रहा है,
ठीक है, 3 1 3, 3 4 12, ये आ गया 14√3 मीटर आपका इतना डिस्टेंस आ रहा है। समझ गए बात को, सिंपल था यार। ठीक है, अगर मान लो बोला जाता है कि हाँ √3 की वैल्यू रखनी है तो यार उसकी वैल्यू भी रख देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो दो क्वेश्चन और है, वो देख लेते हैं, बहुत ध्यान सुनो। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री, सन का एल्टीट्यूड दे रखा है, मान लो आपका सन ये है, यहाँ पे आपकी शैडो बन रही है, ठीक है आपका सन है, ठीक है, कितना डिग्री एंगल बन रहा है सन का, 60 डिग्री, ठीक है। फिर बोल रखा है हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर, ये टावर है, इसकी जो शैडो है वो कास्ट हो रही है कितना, 20 मीटर से, तो आपको बताना है कि वो हाइट ऑफ द टावर कितनी होने वाली है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं यार, क्या मान लेते हैं, एच। थीटा के जो सामने वाला मैम परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड बेस होती है, तो 1060 लगा दो यार, फिर से 1060 लगा दो, एच अपॉन में कितना आ गया 20, ये आ जाएगा √3, 20√3 इज योर हाइट, 20√3 इज योर हाइट ऑफ द टावर। समझ गए, यस। थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट क्या बोल रखा है, इफ द एंगल, इफ द एलिवेशन ऑफ द एंगल टॉप ऑफ द इंडिया गेट इज 30 डिग्री, देखो ध्यान से, अगर मान लो एंगल जो दे रखा है वो इंडिया गेट से, वो 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, हाइट ऑफ द इंडिया गेट इज 42 मीटर, हाइट जो है वो कितनी है, 42 मीटर है, तो अब बताओ डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है। ये भी इजी है यार, ये भी इजी मैम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतने इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं क्या, यस बेटा आते हैं, जभी तो यहाँ पे दे रखे हैं, जभी तो यार दे रखे हैं सैम्पल पेपर में, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अगर ऐसे आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू भी आ गई 42√3, और हम चेकआउट कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है, यस बेटा हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इस सेशन को एंड, क्योंकि हमने तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं और तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी थे। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट सैम्पल पेपर में, जब तक के लिए इस पूरे सैम्पल पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लो, खुद से सॉल्व करो, ताकि आपको सारे सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।